नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ पीयूष और आपका स्वागत है हमारे चैनल हंगरी रूट्स पे। तो आज की हमारी रेसिपी है राजस्थानी सेव टमाटर की सब्जी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो चलिए सेव टमाटर कहां से है, उसकी ओरिजिन क्या है पहले जान लेते हैं। तो ये वाली सेव टमाटर राजस्थानी है और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, राजस्थान में क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स इतनी अवेलेबल नहीं थी तो वहाँ के बावर्ची खानसा में कुक्स जो भी आप कहना चाहें, उन्होंने बहुत जीनियस तरीके से खाना बनाने की तरकीबें निकाली और उन्हीं में से एक ये है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा तेल गर्म कर लिया था और उसमें राई डाल दी है। तो जैसे ही राई फट जाए यहाँ वहाँ नाचने लगे, इसमें डाल दीजिए जीरा। जीरा पकने ज़्यादा समय नहीं लगता है तो फटाफट इसके बाद सामान डालते रहिए। तो मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्चें डाली इसमें दो तीखी वाली और ये डाल दिया अदरक। अब यही इसको गुजराती सेव टमाटर से अलग बनाता है। तो जो राजस्थानी सेव टमाटर होता है वो थोड़ा स्पाइसी साइड पर होता है और जो गुजराती वाला होता है वो हल्का स्वीटर साइड पर होता है। बाकी प्रेपरेशन तो काफ़ी मिलती जुलती है। तो इसे ब्राउन करना है, जैसे ये ब्राउन हो जाए इसमें मसाले डाल दीजिए आपके। तो मैंने यहाँ पे बेसिक तीन मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। लाल मिर्च मैंने कश्मीरी लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका रंग बहुत ही प्यारा लाल आना चाहिए। अब ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब आप देखेंगे मैंने टमाटर काफ़ी मोटे रखे हैं इसमें, उसका रीज़न यही है मैं चाहता हूँ थोड़े मैश हो जाए, थोड़े होल रहे, यानी कि खाते वक्त थोड़ा बाइट आना चाहिए टमाटर का। अब थोड़ा सा धनिया डालिए और इसे हल्के हाथ से टॉस कीजिए। अगर आपको डर लगता है टॉस करने से तो मत कीजिए, एक चम्मच लेके आप प्यार से इसे हिला भी सकते हैं। तो जब ये टमाटर गल रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ये क्या करेगा, आपके टमाटर को जल्दी से गलाएगा और आपकी रेसिपी जल्दी बनेगी। तो ये एक ट्रिक है हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, जब हम प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, नमक डाल देते हैं ताकि वेजिटेबल का पानी फटाफट बाहर आए और जल्दी से हम खाना बना पाए। तो मैं अब इसमें एक कटोरी जितना पानी डाल रहा हूँ। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि टमाटर में भी काफ़ी पानी होता है, वो अपना पानी छोड़ेगा। तो आप बस यही चाहते हैं कि थोड़ा इसको सपोर्ट करें और हेल्प करें, तो थोड़ा सा पानी डालिए। और दूसरी चीज़, पानी डालने से जो आपके मसाले नीचे चिपक रहे हैं वो इमिडिएटली चिपकना बंद हो जाएंगे। तो मेन रीज़न तो यही है पानी डालने का। अब 4 से 5 मिनट आपको इसको हाई हीट पर पकाना है। अगर आप धीरे पकाना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट 4 से 5 मिनट तो इसको ज़रूर पकाइए, टमाटर का खट्टापन जाने दीजिए। तो अब देख सकते हैं 3-4 मिनट बाद भी टमाटर होल ही लग रहे हैं। अब मैं इसे और पकाना चाहता हूँ ताकि ये थोड़े से और मैश हो जाएं और फिर हम हमारी सेव डाल देंगे। तो ये टमेटो प्यूरे है, तो मैं इस डिश में 2 डिफरेंट तरीके के टमाटर यूज़ करता हूँ, एक तो कटे हुए टमाटर और एक टमेटो प्यूरे। उसका रीज़न ये है कि जो प्यूरे है वो ग्रेवी बनाने में हेल्प करेगी और जो होल टमेटोज़ हैं या कि क्यूब्स हैं वो थोड़े बाइट लाएंगे खाने में। तो डिफरेंट टेक्सचर्स जब आते रहेंगे खाने में तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। चलिए अब इसे चलाते रहिए जब तक ये थोड़ा बहुत तेल ना छोड़ दे, और जब तेल छोड़ेगा इसमें सेव डालने का समय आ जाएगा। तो पूरे 10 मिनट हो गए मैं अपने टमाटर को पका रहा हूँ। अब थोड़ा धनिया डाल दीजिए। मैं हर रेसिपी में धनिया हर स्टेज में डालना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ धनिया का फ्लेवर बेस में भी आए और उसके लास्ट फ्रेशनेस में भी आए। और मैं हमेशा नोटिस किया है कि फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब इसमें सेव डालने का समय आ गया। तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, आप देखेंगे इसमें सेव का इस्तेमाल होता है, कोई और भाजी का नहीं होता है। उसका रीज़न यही था कि क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो उन्होंने सेव के साथ ही एक वेजिटेबल बना दी। अब इसकी और एक खूबसूरत बात यह है कि जैसे ये सेव इसमें जाता है, एक तो सेव बेसन की बनती है यानी कि अपना स्टार्च छोड़ेगी, ग्रेवी को थिक करेगी, और दूसरा नूडल जैसे एकदम पिलपिली हो जाएगी, पूरा टमाटर का जूस एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब आप इसे खाते हैं बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टेक्सचर आता है आपके माउथ में। और बना के देखिए इसे और हमें ज़रूर बताइए कैसे लगता है आपको।
तो पानी की मात्रा हमेशा थोड़ी ज़्यादा रखिए इसमें, क्योंकि क्या होता है सेव जैसे ही पकता है वो अपना स्टार्च छोड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि बेसन थोड़ा घट्ट करेगा पानी को। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा रखिए, जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं वो डेफिनेटली एंड तक थोड़ी टाइट हो ही जाएगी। अब हमारी डिश तैयार भी हो चुकी है, टोटल मुझे लगे 15 मिनट इसको पकाने में। तो आपने देखा कितनी फटाफट बन गई, और इसकी प्रेप भी बहुत ही आसान है। 2 टमाटर काटने, 2 टमाटर पीसने, या जितनी भी मात्रा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस अब हम वीडियो के अंत पे आ गए। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को दबाइए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच गाइज हमसे जुड़े बने रहने के लिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, हमारा आईडी है chef_with_a_tattoo। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।